लेकिन अगर हम एयरपोर्ट पे हैं उससे रिलेट करें तो एयर टैरिफ अगर कुछ कम हो सके वो हमेशा बढ़ते रहता है, मतलब एयर फ्यूल कम हो जाता है लेकिन उसका टैरिफ या जो फेयर है वो कम नहीं होता, तो उसमें सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा होगा। और प्लस सैलरीड क्लास के लिए अगर टैक्स का स्लैब बढ़ जाए तो वो एक वेलकम स्टेप होगा। गवर्नमेंट अगर अपने सेक्टर में काम करेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फंक्शनल हो जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। प्राइवेट सेक्टर्स के डॉक्टर तो अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पाते, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाए या अपना स्पेंड बढ़ाए तो दैट विल बी ए ग्रेट। हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, पुरानी शिकायतें सारी उम्मीद है कि दूर हो जाएंगी, टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा और घरेलू जो महंगाई है उस पर कुछ राहत की उम्मीद है। पेट्रोल पर कंट्रोल होना चाहिए था, अब इस बार देखते हैं, उम्मीद तो किए हुए हैं कि मोदी को फिर से जिताए हैं तो शायद वो हम लोगों के हित में कुछ काम करें। मध्यवर्गीय मतलब उत्थान के लिए थोड़ा सा उनको और ध्यान देना चाहिए, बाकी सारे क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, मध्य वर्ग को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर इस बजट में अगर गृहिणी को, मध्यवर्गीय परिवार को ध्यान दिया जाए, गैस के मामले में, पेट्रोल के मामले में, अन्य खाद्य पदार्थों के मामले में, तो हम समझते हैं कि बजट हमारा सफल हो जाएगा। उनका फैसला होगा, जो हमारे नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे वो सबके जनहित में ही होगा, और उम्मीद तो है कि सब टैक्स उक्स का हम लोग को कुछ बेनिफिट मिले। टैक्स तो बहुत ज़्यादा लगता है, टैक्स लगता है तो उसके लिए दो तीन चीज़ें अगर गवर्नमेंट कर दे, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन को फ्री कर दे या एजुकेशन को फ्री कर दे, आज के रेट में हमारे बच्चे को इतना फीस हमें भरना पड़ता है, वो चीज़ फ्री करे जैसे दूसरी देशों में है। हॉस्पिटल एंड एजुकेशन, ये दो बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, अगर इसको इस पर कुछ रियायत होगी तो टैक्स जितना भी लगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी पैसा तो बचाता है इसी सब चीज़ों के लिए। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो टैक्स की दरें कुछ कम हो, अगर टैक्स कम है तो फैसिलिटी बढ़ाए कुछ, तो बहुत कुछ उम्मीद है। बेरोजगारी से हटी थी हो एजुकेशन सेक्टर में और पढ़ाई लिखाई गांव घर में बहुत बहुत सारा सुविधा मिले, यही सब उम्मीद किए हुए हैं मोदी जी से। रियायत कुछ जरूर मिलना चाहिए मध्यम वर्ग को खासकर, क्योंकि अभी तक कोई रियायत नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, इसलिए हम आशा करते हैं और मोदी जी से मांग करते हैं और निर्मला सीतारमन से कि टैक्स में मध्यम वर्गियों के लिए रियायत दिया जाए। जैसे गरीबों के लिए आया है लेकिन मध्यम वर्ग के लिए तो कुछ भी नहीं आया है। आयुष्मान योजना है गरीबों के लिए लेकिन मध्यम वर्ग के लिए भी तो कुछ योजना आनी चाहिए हेल्थ में, जो बहुत लोग बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ जरूर हम लोग मांग करते हैं कि मिलना चाहिए। टैक्स में रियायत होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स हैं, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, उनके लिए, और एजुकेशन में, क्योंकि यूथ के लिए तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से महंगाई जो बढ़ गई है एजुकेशन में खास करके, वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुई है जी। तो प्राइवेटाइजेशन बंद करना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल को अगर जो प्राइवेटाइजेशन में कर रहे हैं उसके जगह पे गवर्नमेंट स्कूल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में हुआ है, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करती है, लेकिन एक चीज़ में सही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का जो क्लास है वो वहाँ पे है। ये क्लास पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल।